आज हम बात करेंगे गाजर से लेके गौतम बुद्ध तक की, कि दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर। ये बात इसलिए उठती है क्योंकि हमारे पिछले कुछ वीडियोस में लोग कहते हैं कि गाजरों में, कीड़ों में, जानवरों में, इंसानों में आखिर फर्क ही क्या है। देखिए, फर्क दिमाग का है जो कि गाजर में है नहीं, और गौतम बुद्ध का दिमाग एक सॉफ्टी की तरह है। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। कीड़ों के, जानवरों के, इंसानों के और गौतम बुद्ध के दिमाग में जो कॉमन चीज़ है वो है सॉफ्टी कोन। ये सॉफ्टी कोन हमारी बेसिक सेंसेशन जैसे कि दर्द या भूख, उसको महसूस करने की और उसको उस पर रिएक्ट करने की एबिलिटी, तो ये सब में कॉमन है। तो चाहे कीड़े हों या जानवर हो या इंसान, दर्द सबको होता है, भूख सबको लगती है। इसके आगे चलते हैं तो जानवरों के, इंसानों के और गौतम बुद्ध के दिमाग में जो समानता है वो है आइसक्रीम स्कूप। ये आइसक्रीम स्कूप रिप्रेजेंट करता है हमारी भावनाएं महसूस करने की क्षमता। तो देखिए, कोई भी आइसक्रीम स्कूप हो, गर्मी पड़ने पे पिघल जाएगा और ठंड होने पे जम जाएगा, पर ये फ्लेवर टू फ्लेवर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी जमता है या कितनी जल्दी पिघलता है। मसलन की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है सबसे देर से पिघलती है, उससे जल्दी पिघलती है चॉकलेट, और वनीला सबसे जल्दी पिघल जाती है। तो भावनाएं तो सब में है, लेकिन उनको महसूस करने की और दर्शाने की क्षमता सबकी अलग अलग है। फिर बात करते हैं कि आम इंसान और गौतम बुद्ध के दिमाग में एक और क्या समानता है। ये समानता है स्प्रिंकल्स। अब अधिकांश जानवरों के पास ये स्प्रिंकल्स नहीं है। ये स्प्रिंकल्स दर्शाते हैं हमारी सोचने की क्षमता, एक कॉम्प्लेक्स थॉट की क्षमता। और हो सकता है हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ पैदा हुए या वनीला फ्लेवर के साथ, और उस पर हमारा बस नहीं है, पर हम ये स्प्रिंकल्स लाइफ लॉन्ग ऐड करते जा सकते हैं, और जितने हम स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे उतना हम अपना फ्लेवर और टेक्सचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बचे सिर्फ गौतम बुद्ध। तो उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, और वो है एक डेलिबरेट बिलीफ सिस्टम, एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी जीने का एक सोचा समझा कारण। बुद्ध जी रहे थे सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए, एंड दैट इज द चेरी ऑन द टॉप।